कोरिया जिले में मध्य प्रदेश की सीमा से सटे ग्राम पंचायत तिलोखन में 10 फलदार वृक्षों की कटाई को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करने का दौर शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में लगे 9 आम और एक जामुन के पेड़ को बिना किसी अनुमति के काटकर मध्य प्रदेश के एक व्यापारी के पास 20,000 रुपए में बेच दिया था। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एक एक नग, क्रेन, कटर, मशीन और ट्रक को जब्त कर लिया। इस मामले में प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। चोरा है, जौन गिरवाया है वही चोरा है सर, दूसरा आदमी ही चोरा है। तो बहुत आम हो गया रहा होगा इतना तो। अरे आम नहीं फर रही सर, अभी अभी कितना कितना बोरी फर ज्यादा एक दो चार बोरी फर रही हुई। छोटे लाल आजमज कन्ना लाल पाव निवासी ग्राम तिलोखन के भूमि स्वामी हक की भूमि में 9 वृक्ष आम प्रजाति का और 1 वृक्ष जामुन प्रजाति का बिना अनुमति के, बिना एसडीएम के अनुमति के काटा गया है और उसको काट के मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। तो उसको मौके पर हम लोगों ने जब्ती किया है, क्रेन को और एक ट्रक बड़ा लोड किया जा रहा था। तो अब मौके पर से एक भी लकड़ी परिवहन नहीं हुआ है और मौके पर पूछताछ करने में बताया गया कि उसको शहडोल लिंक के द्वारा बिक्री करने की तैयारी की जा रही थी, जिसे मौके पर थाना प्रभारी और पूरा थाना स्टाफ के सहयोग से उनको थाने को अभिरक्षा में रखा गया है और तथा मौके पर जो लकड़ी रखी गई है उसको कोटवार की अभिरक्षा में दिया गया है। तथा बताया गया है कि मौके पर किसी प्रकार कोई लकड़ी का परिवहन या स्थानांतरण वहाँ से मौके से ना किया जाए।